है ना, ये बताइए तीज के मौके पे क्या कुछ रस्में आज निभा रही हैं अपनी बहन के साथ? तीज की आई थिंक एक ट्रेडिशन है जो चलता आ रहा है कि भरियाली तीज के दिन बहुएं जो हैं वो 21 मटके सर पर लेकर नाचती हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया क्योंकि नैना के जो मटके हैं उनमें से एक मटके में क्रैक है, ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो उसके लिए और भी चैलेंजिंग हो गया है। तो लेट्स सी कर पाती है या नहीं। तो क्या कुछ मतलब ऐसा मुश्किल लग रही है आपको कि इतने सारे मटके और ऊपर से डांस करना है, चलना नहीं है, खाली रखना है, डांस करना है? तो ऑनेस्टली मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। मतलब मैंने आज तक जब भी कुछ डांसिंग सीक्वेंसेस आए हैं इतना सोचा नहीं है कि हो पाएगा या नहीं। फर्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ कि ये कैसे हो पाएगा बिकॉज आई एम अनवेल ऑल्सो, बट आई विल हैव टू डू इट। तो somehow, तो मॉम और बाकी लोग भी थोड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, एंड फिर किस तरह से अभी मेघना और नैना दोनों भी इस पूजा में एक तरह से सबको खुशी ही मिल रही है, तो क्या कुछ आगे इसमें देख सकते हैं? जी ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो रहा है, नैना कर लेती है और मटका गिरता भी नहीं है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि जो नैना को 15 दिन का टाइम मिला था करण को ठीक करने का, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं इस फेस्ट जो भी फेस्टिविटीज़ हैं इनके साथ साथ। तो जैसे जैसे कुछ भी अचीवमेंट हो रही है तो आई थिंक वो सब कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है कि फाइनली शायद करण और नैना साथ में हो जाएंगे। और ये मटके में जो क्रैक आया है वो किसकी वजह से है? वो ऑब्वियसली जैसे इस घर के हाल हैं लगता तो नहीं खुद से आया है, तो somebody हैज़ डन इट फॉर श्योर, एंड आई थिंक हैज़ टू बी संध्या मासीमा।